हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन रेडिएशन के HSC के PYQs के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो जैसा आप सबको पता होगा कि ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है फॉर HSC विथ ऑप्शन। सो इसमें भी आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 मार्क्स का और एक MCQ आने की प्रोबाबिलिटी हाई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपको एक प्रमोशनल अपडेट मैं देना चाहूँगा अन अकेडमी की तरफ से। सो अन अकेडमी की तरफ से लक्ष्य बैच स्टार्ट की गई है फॉर MSTCT 2022 के लिए। सो यदि आप इस बैच में इंटरेस्टेड है तो आप इस पे इनरोल कर सकते हैं। सो एज द बैच स्टार्ट फ्रॉम 5th मार्च, या आपको 20 मार्च तक के लिए अर्ली बर्ड ऑफर है। सो इसका मंथली सब्सक्रिप्शन क्या है आपका 2999, जिसपे आपको डिस्काउंट दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्काउंट कितना है। सो डिस्काउंट ऑफर है आपका 2439 से 2195, बट इफ़ आप मेरा कोड यूज करते हैं अंशुमन सर करके, सो आपको डिस्काउंट 10% एक्स्ट्रा है। सो द फाइनल प्राइस इज 2195। सो इफ़ आप इस सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप इसे ले सकते हैं। ओके, सो इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको मॉक टेस्ट सीरीज़, आप लाइव क्लासेस, आपको DPB सॉल्व करने को मिलेंगे। इफ आप ये सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्ट है तो नो इशू। इस अनअकैडमी पे हमें खुद अपने जो प्री स्पेशल क्लासेस MSTCT के लिए क्रैश कोर्स के आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो कल से ही, आज से ही हमने ये प्री स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की है फॉर MSTCT क्रैश कोर्स के लिए, डेली मॉर्निंग 8:30 AM। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं आपके HSC एग्ज़ाम होने के बाद। सो ओवरऑल ट्राई 60 स्पेशल फ्री क्लासेस है फॉर द कंप्लीट MSTCT 2022 के लिए। आप इसे ले सकते हैं, ओके, देख सकते हैं एज अ फ्री। ओके, बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना रहेगा। ओके, अदरवाइज आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्ट हो तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अदरवाइज आप मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस या इस अनअकैडमी ऐप पे या मेरे यूट्यूब चैनल करियर साइंस पे आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट द सेशन ऑफ दिस वीडियो। सो पहले हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। लेट मी क्लोज दिस। ओके, सो हम लोग बॉटम से स्टार्ट करते हैं MCQ। सो आपका लास्ट MCQ क्या दिया गया, आई होप आपको ये PDF दिखता हो। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये PDF ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है चैनल पे, आप इसे डाउनलोड करके इसके सॉल्यूशन पे आप देख सकते हैं। सो जैसा कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, MCQ जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ, लेट मी मार्कर को पतला कर लेते हैं थोड़ा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है आपको, 151.91 जूल एट द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर को यदि आपको MKS में चेंज करना है तो 10.13 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। सो सिंपल प्रॉब्लम है, आपको किसका पूछा गया है, ये हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन है, आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 3/2 PV। ओके, सो आपको सब कुछ डेटा दिया गया है, आपको वी निकालना है। सो 2/3 काइनेटिक एनर्जी इंटू प्रेशर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। सो यहाँ पे आपको जो आंसर अप्रोक्सीमेट मिलता है 10^-3 m³ मिलता है, जो कि बेसिकली आपका क्या होता है, ये 1 लीटर। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मुझे स्लाइड नीचे करने देना। 24 में आपको क्या दिया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ, आपको क्या दिया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज। सो वाटर इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो आपको स्पेसिफिक हीट क्या होता है आपका, जो ∆P/∆T फॉर वाटर। सो यहाँ पे आपका जो एनर्जी ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, वो आपका क्या होता है, 9 RT फॉर ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो आपको यहाँ पे पुट करना है 9 RT, और आपका टेम्परेचर ऑलरेडी नीचे तो कैंसिल होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा,
9 R। सो ओके, सो आई होप आपको ये समझा रहेगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट टेम्परेचर। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए आपका फॉर्मूला ही है 3 बाय 2 RT/m। सो आपको ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, जस्ट अ सेकेंड, आपको पूछा क्या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। सो काइनेटिक एनर्जी जो पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है 3 बाय 2 KBT, जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। यदि यहाँ पे पर यूनिट मास पूछा होता तो आप फॉर्मूला होता 3 बाय RT/m। यदि आपको पर मोल पूछा होता तो होता 3 बाय 2 RT। पर यूनिट वॉल्यूम पूछा होता तो 3 बाय 2 P। सो जस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पूछा होता तो 3 बाय 2 PV। सो ये सब ध्यान में रखिए, आपको ऐसे भी MCQ पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक इंक्लोज इज ई, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होता है 3 बाय 2 PV। आपको ई दिया हुआ है 3 बाय 2 PV, आपको पी पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 बाय 3 पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। सो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जो ई है आपका क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गायब हो जाएगा, सो प्रेशर क्या हो जाएगा 2 बाय 3 E। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो फाइंड द वेवलेंथ एट विच द ब्लैक बॉडी रेडिएट्स। कितना दिया गया है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो ये आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्वेश्चन दिया है। सो इस थ्योरम में, इस लॉ में आपको ध्यान में रखना है जो टेम्परेचर रहता है आपका, वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, लेमडा मैक्स इंटू बी इक्वल टू सॉरी लेमडा मैक्स इंटू टी इक्वल टू बी। सो आपको यहाँ पे टेम्परेचर जो रहता है आपका क्या रहता है, केल्विन में रहता है। सो 427 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सो आपका आंसर क्या होगा 700 डिग्री केल्विन। बी का वैल्यू इज गिवन है 2.98 10^-3। आपको लेमडा मैक्स निकालना है। सो इसका करेक्ट आंसर आता है 4.14 × 10^-6 मीटर। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू गैसेस एग्जर्ट, सॉरी 2019 प्रॉब्लम। इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस बाय कितना, डिक्रीजेस बाय क्या बोल रहा है 10% P2 - P1/100 ऑफ P1। सो P1 माइनस ये आपका क्या हो गया 1/10 P1। सो कितना हो गया 10 P1 - 1 P1, ये आपका क्या हो गया 9 P1 / 10 P2 इक्वल टू। सो P2 / P1 क्या हो गया आपका 9/10। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, आपका टेम्परेचर क्या आइसोथर्मल है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कि क्या होगा। सो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका V1/V2 इक्वल टू 9/10। सो वॉल्यूम चेंज निकालना है तो आपको क्या होगा V2 - V1 - 1 × 100, ये आपका 10 - 9 1 × 100, ये कितना हो जाएगा 10 - 9 100/9, जो कि आपको क्या आएगा 11.111% समथिंग आएगा। हेंस करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, ये 19 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। 18 टू गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इन द रेशियो 3:2। देयर डेंसिटीज क्या दिया है इन द रेशियो 2:3। द रेशियो ऑफ देयर RMS वेलोसिटी विल बी। सो RMS वेलोसिटी आपको प्रेशर का रेशियो दिया गया है, डेंसिटी का रेशियो दिया गया है।
सो आरएमएस स्पीड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 3P रो। तो आप यहाँ पे ये फार्मूला यूज करके P1 बाय P2 इंटू रो 2 बाय रो 1, आप ये यूज कर सकते हैं। 3 बाय 2 3 बाय 2 क्या आएगा? करेक्ट आंसर विल बी 3 बाय 2। ये आंसर क्या होगा आपका? बी 17। और पॉली एटॉमिक गैसेस आपका एफ वाइब्रेशनल मोड्स द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स CP एंड CV क्या होगा? सो CP क्या होता है यहाँ पे फॉर पॉली एटॉमिक गैस? 4+Fr। और CV क्या होता है? 3+Fr। सो द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या हो गया? CP बाय CV 4+F/3+F। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो द डायमेंशन सॉरी द डायमेंशन ऑफ एमिसी पावर। सो डायमेंशन ऑफ एमिसी पावर क्या होता है? M1 L0 T-3। करेक्ट आंसर इज सी। एमिसी पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? Q/AT। ये क्यू क्या होता है आपका? जूल। M1 L2 T-2 यहाँ पे एरिया है डिनोमीटर में, टाइम 1। तो L2 L2 कैंसिल, 0 हो जाएगा और T1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम इज, प्रेशर कितना दिया है? 3E/3B। सो आपका ये जो भी काइनेटिक एनर्जी ये जो दिया गया है सॉरी P E equal to 3/2 PV। ये आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए दिया गया है। जब गैस आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी शो करता है गैस मॉलिक्यूल, तब के लिए है। ओके क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? 2 copper spheres ऑफ रेडाई 6 cm एंड आर सस्पेंडेड इन ए वैक्यूमेटेड इंक्लोजर, ईच ऑफ देम आर एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एबव द सराउंडिंग। आपका 50 डिग्री सेल्सियस एबव द सराउंडिंग टेम्परेचर है। ओके तो मतलब दोनों का सेम है। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड आपका टेम्परेचर एबव सराउंडिंग। ओके ये आपको टेम्परेचर एबव द सराउंडिंग आपको दिया गया है। सो आपका आर इज सीधा आप यूज कर सकते हो R1/R2, क्योंकि आपका ये दोनों क्या है? सेम है। ओके ये दोनों क्या है आपका? ये दोनों क्या है यहाँ पे? सेम है। तो ये दोनों डायरेक्टली कट जाएगा आपका A1/A2। ये क्या हो जाएगा? 4π R² स्पेयर दिया गया है, 4π R² ये आपका क्या हो गया? R1/R2 का स्क्वायर, ये 6/12 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ओपैक बॉडी। ओपैक बॉडी मतलब अथर्मेनस बॉडी, मतलब जो बॉडी ट्रांसमिट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्या दिया आपका? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0.16। तो ओपैक बॉडी जो बॉडी ट्रांसमिट नहीं कर सकती उसके लिए आपका टी क्या होता है? 0 अथर्मेनस। तो आपका पता हुआ एक टोटल ए पर आर्ट इक्वल टू वन। आपका टी 0 है तो A+R = 1। आपको आर दिया गया है तो आप ए निकाल लेंगे 1 - R। और आपको पता होगा बाय किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन A = E। सो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कितना हो जाएगा? ये जितना आपका ए रहेगा सॉरी 0.84। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस विच अलाउज हीट रेडिएशन टू पास थ्रू इज, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ड्राई एयर। बाकी सब यहाँ पे क्या है? अथर्मेनस है। ओनली ड्राई एयर इज अ डाई अथर्मेनस, मतलब जो अलाउ करेगा हीट रेडिएशन को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन,
इलेवन क्वेश्चन अगेन आपका ये क्वेश्चन है वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्स इनटू टी इक्वल टू बी। आपको लैम्डा मैक्स दिया गया है 475। मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो आपको टी इक्वल टू आपको निकालना है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स। बी ए का वैल्यू दिया है 2.98 10^-3। ये आपको 470 नैनोमीटर दिया है, 470 नैनोमीटर। इसको आपको कन्वर्ट करना है। ओके कितना हो गया टेम्परेचर? 6166 केल्विन इसका आंसर आएगा। ओके सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी मेंटेन एट 127 डिग्री सेल्सियस। आपको टी कितना दिया है? 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 400 डिग्री केल्विन। एट द रेट ऑफ कितना दिया है आपको? क्यू बाई टी 1459.2 जूल पर सेकेंड। आपको सिग्मा का वैल्यू दिया है 5.7 10^-8 एसआई यूनिट। सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ओके सो यहाँ पे आपको आपको पता रहेगा जो क्यू बाई ए टी इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4 होता है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया ए निकालना। सो ए इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा टी टी रेस टू 4। आपको क्यू बाई टी सब डेटा आपको दिया गया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रॉक्स 1 m² आएगा। करेक्ट आंसर विल बी डी। बट मेन थिंग क्या है, आपको ये पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स आपको इस चैप्टर में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आरएमएस स्पीड आपको दिया गया है C1 42 m/s। जस्ट अ सेकेंड। 2 m/s। C2 कितना दिया है? 4 m/s। C3 कितना दिया है? 6 m/s। सो आरएमएस स्पीड CRMS इक्वल टू C1² + C2² + C3² / 2। सो स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर / 2। सो ये 56/3। कितना आएगा आंसर आपका? 4.32 m/s। ओके करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द सब्सटेंस विच डज नॉट ट्रांसमिट एनी हीट रेडिएशन इज यहाँ पे वाटर। वाटर इज अ अपैक बॉडी और अथर्मेनस सब्सटेंस। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज 3 times द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का 3 RT/m। सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 3√T। तो आपका 3 times इंक्रीज किया गया तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगा? डी। ओके सिक्स क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपका किरचॉफ्स लॉ है। ये डेरिवेशन पढ़ के जाना, एग्जाम में आ सकता है। ए इक्वल टू ई प्रूफ वाला और ए इक्वल टू ई बाय ई बी। ठीक है, ई का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके फिफ्थ क्वेश्चन, द आरएमएस स्पीड ऑफ ए गैस मोलिक्यूल इज, आपने अभी देखा यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर बी। द एसआई यूनिट ऑफ इमिसिव पावर, इमिसिव पावर क्या होता है? क्यू बाय ए टी। जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं, इसलिए वाट पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर विल बी ए। सो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। सो यहाँ पे नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है,
टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ बॉडी पे, ठीक है, मास कितना भी हो। सो क्वेश्चन नंबर बी हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन, फॉर अथर मैंने सब्सटेंस मीन्स फॉर ओपेक बॉडी, द बॉडी विच डू नॉट ट्रांसमिट द हीट रेडिएशन, आपका टी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। सो जो भी आपको लेटेस्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं लास्ट के, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन में से 3.15 में, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, अ पिन होल इज मेड अप ऑफ हॉलो स्पेयर ऑफ रेडियस, आपको कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, हुज इनर वॉल इज एट टेम्परेचर कितना दिया है, 727 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पे सब कुछ केल्विन में कन्वर्ट करना है। फाइंड द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया आपको निकालने बोल रहे हैं। आपको स्टीफन्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 5.7 × 10⁻⁸ जूल मीटर स्क्वायर, ओके, केल्विन एस टी 4। आपको एमिसिविटी दिया गया 0.2, मतलब ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ओके। सो फॉर ए ऑर्डिनरी बॉडी आपका क्यू बाई ए टी इक्वल टू क्या होता है, ई सिग्मा टी रेस टू 4। सो यहाँ पे क्यू पावर बाय एरिया, सो क्यू बाई टी क्या होता है, पावर, पावर मतलब आपको ये पूरा निकालना है। आपको यहाँ पे ये पूरा दिया गया है, आपको ई दिया गया है, आपको बोला क्या गया, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया निकालना है। सो इन शॉर्ट आपको यही निकालना है, आपको यहाँ पे रेडियस का आई थिंक कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको पर यूनिट एरिया बोला गया है। सो आपको ई दिया गया, सिग्मा दिया गया, टी दिया है, आप डेटा पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। लेट सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम्स जो आपको लेटेस्ट ईयर में पूछे गए हैं, जैसे कि मार्च 3, मार्च 19, स्पेसिफिक हीट, आपका इंटरमीडिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी 3.7 में, जैसे कि पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे जुलाई में, एट वॉट टेम्परेचर विल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP। आपको पूछा गया है कौन से टेम्परेचर पे आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है क्या हो जाए, हाफ हो जाए आपका काइनेटिक एनर्जी जो है आपका एट NTP पे। सो NTP पे बोला मतलब टेम्परेचर क्या है उस टाइम पे, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। सो ऑलवेज रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी जो होता है 3/2 RT, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। सो आपको पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर पे हाफ हो जाए, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर को हाफ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे KE1 KE2 ऐसा इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ये टेम्परेचर हाफ करना है तो आपका टेम्परेचर भी यहाँ पे आपको हाफ करना पड़ जाएगा, ठीक है। सो आपको ये भी हो जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका मार्च 15 में पूछा गया है, कैलकुलेट द एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल पर किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो पर किलो मोल आपको बोला गया है पहले, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल और पर किलो मोल बोला तो 3/2 RT। आपको आर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है कितना है, 227 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपको कन्वर्ट करना है, ओके, 300 केल्विन, ओके। देन आपको क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम और पर यूनिट मास, ओके। सो आपका 3/2 RT/m, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम, ओके। सो यहाँ पे आपको टी दिया गया है, एम दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 32 होता है, पुट कीजिए आपको आंसर आ जाएगा, ओके। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एट 300 केल्विन कितना दिया गया है, पर यूनिट मास आपको दिया गया है 2.5 × 10⁶ जूल पर केजी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg ऑक्सीजन एट 600 केल्विन।
आपको ये पर यूनिट मास, ओके, पर यूनिट मास मतलब आपको ये 1 kg का दिया गया है। सो आपको कितने का निकालने का बोल रहा है, 4 kg एंड 8600 केल्विन। ओके, सो ये आपको का सॉरी ये आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास दिया गया है। ओके, एंड आपको निकालने क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg ऑक्सीजन 8600 केल्विन। ओके, मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे आप ये कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सो पर यूनिट मास बोला गया है तो आपको लेट्स सी, सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास फॉर नाइट, देखो काइनेटिक एनर्जी जो पर यूनिट मास होता है आपका, पहले तो आप पर यूनिट मास का जो फॉर्मूला होता है 3/2 RT/m। सो यहाँ पे आपका जो आप मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये फॉर्मूला जो दिया E=3/2 RT/m, ये E जो है आपका प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टी बाय मोलिकुलर मास। सो यदि आप रेशो यहाँ पे लिख करके सॉल्व करोगे, ई ऑफ नाइट्रोजन, ई ऑफ ऑक्सीजन, तो टी ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टी ऑफ ऑक्सीजन इंटू एम ऑफ ऑक्सीजन एंड एम ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास इज 32, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास इज 28, N2 का आपको टेम्परेचर दिया गया है 300, ऑक्सीजन के लिए आपको दिया गया है कितना 600, आपको E ऑफ N2 दिया गया है कितना 2.5 × 10^6। सो आप इससे E ऑफ O2 निकाल लो पर यूनिट मास के लिए एनर्जी। ओके, एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट मास को आपका मिल जाएगा। फिर वो पर यूनिट मास में आप क्या करोगे, आपको निकालना कितने के लिए, 4 kg के लिए, तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 kg के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ ऑर्गन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला क्या है, 3/2 RT/m। सो पर यूनिट मास के लिए आप ये निकाल लीजिए। फिर आपको क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ ऑर्गन मॉलिक्यूल्स। सो पर यूनिट मास मीन्स पर यूनिट मास का आपको ये मिल जाएगा। फॉर 10 ग्राम्स के लिए आप इसमें क्या कर दो, 10 ग्राम से उसको कन्वर्ट कर लीजिए आप केजी में। सो ये निकालने के बाद फॉर 10 ग्राम आप जो भी एनर्जी आएगा उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, एनर्जी जो भी है 10 × 10^-3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना। सो आपको फॉर 10 ग्राम आंसर मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह आप किलो मोल पर केजी नाइट्रोजन ये सब प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, लेट सी देन, कुछ और भी कोई प्रॉब्लम दिया गया है क्या। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है आपका RMS स्पीड से रिलेटेड, 3.6 में, कंप्यूट द टेम्परेचर एट विच RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 832 मीटर पर सेकेंड। सो जो CRMS क्या होता है आपका, 3 RT/m, आपको RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया गया है, आर दिया गया है आपको, मोलिकुलर वेट दिया गया है, आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको CRMS कितना दिया गया है, 832 मीटर पर सेकेंड, आपको आर दिया गया है, टी तो निकालना है, एम दिया गया है कितना, 28 ग्राम। सो आप डायरेक्टली उसको पुट कीजिए, आपको 28 ग्राम है, इसको आपको केजी में लिख यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया गया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का RMS स्पीड इज 460 मीटर पर सेकेंड एट NTP। डिटरमाइन द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का पूछ रहा है। सो आपको इस दोनों का टेम्परेचर आपको क्या है, एट NTP दिया गया है। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली CRMS इक्वल टू 3 RT/m। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सो RMS स्पीड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास।
सो आर एम एस स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मोलिक्यूलर मास. सो CO2 CH2. सो आपका ऑक्सीजन के लिए क्या है 32, हाइड्रोजन के लिए मोलिक्यूलर मास क्या है 2, 1 बाय 16, ये क्या हो गया आपका 1 बाय 4. तो सी ऑफ एच टू क्या हो गया 4 ऑफ CO2. ओके सो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है सो ये आपके आर एम एस स्पीड पे प्रॉब्लम है. सो ऑलवेज रिमेंबर आर एम एस स्पीड पे प्रॉब्लम्स आते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पे प्रॉब्लम आते हैं, पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम, इसके आप प्रॉब्लम्स कर लेना. एंड देन आपका इमिसिव पावर, जो आपका स्टीफेंस लॉ है, उस पे प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके सो ऑलवेज रिमेंबर, यदि आपको इमिसिव स्टीफेंस लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला प्रॉब्लम पूछा, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया Q/AT, ये आपका क्या रहता है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए रहता है, और फॉर ए ब्लैक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या होता है σT4. ई इज़ द इमिसिटिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, सिग्मा स्टीफेंस कॉन्स्टेंट है, टी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, और ये Q/AT को आप इमिसिव पावर ऑफ, ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ये इमिसिव पावर ऑफ क्या है ब्लैक बॉडी. ऑर्डिनरी बॉडी को जस्ट हम लोग ई भी लिखते हैं. ओके सो ये आपके फॉर्मूले ध्यान में रखिए आपका. देन आपको ये भी पता है A A+R+T=1. आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे फॉर्मूला पूछा, जो कि हमने अभी MCQ में सॉल्व कर लिया. इवेंस कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, सब ध्यान में रखिए. सो इसमें जो लॉज हैं, क्रिचॉफ्स लॉ हो गया, स्टीफेंस लॉ हो गया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, आपका ART के जो डेफिनेशंस हैं, डिफरेंस बिटवीन अ थर्मोनेस एंड डायथर्मोनेस सब्सटेंस, फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले, प्रेशर ऑफ ए गैस के फॉर्मूले, ये आप ध्यान से पढ़ के जाइए. इसके प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी मैंने प्रॉब्लम्स कराए आपको समझा रहेगा. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर HSC एग्ज़ाम.